हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है मफलर लेकर आई हूँ। ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए मफलर चलेगा, रिवर्सेबल मफलर है बेसिकली। ये आप ये देखेंगे कि इसकी लुक जो है इस तरीके से आ रही है। इसमें हार्डली 350 से 400 ग्राम के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा मफलर अपने लिए या किसी भी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए मफलर बताने जा रही हूँ आप लोगों को। ये मैंने मफलर बनाया है, बहुत सिंपल सा और आसान सा मफलर है। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, आप ये देखेंगे इस तरीके से। अब ये जो है मैंने किसी का बनाया है, ये लेडीज़ का बना हुआ है, तो कलर ऐसा लिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे की है और उसके बाद ये डिज़ाइन कैसे डाला है वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। 4 इंचज लॉन्ग बनाया है। अब इसे मैं छोटे से उस पर आपको बताने जाऊँगी। देखेंगे आप, बहुत ही सॉफ्ट वूल है ये लिया है। और अब मैं धागा जो है, फंदे जो है, किस तरीके से डालूंगी वो आप देखेंगे। अब देखिए आपने ऐसे जो है डबल किया। 8 नंबर की सिलाई ली है मैंने, 8 नंबर की नॉर्मल सिलाई लीजिएगा। इस तरीके से डबल करने के बाद पहला फंदा मैं ऐसे देखेंगे आप, ये घुमाया, यहाँ डाला और इसको आपने ऐसे लिया और ऐसे बना दिया। अब ये आपका आया पहला फंदा, देख रहे हैं। अब दूसरे फंदे के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे लूँगी मैं इस तरीके से यहाँ से और ऐसे लेकर ऐसे, कि आपके दो फंदे होंगे। अब तीसरा फंदा लेना है तो ये आपने धागा देखेंगे आप इस तरीके से पकड़ा है, ये सिंगल धागा आपने उंगली में पकड़ा है, ये ऐसे पकड़ा है, इसे ऐसे लेंगे और ऐसे ये किया। अब इसी अंगूठों के आपने ऐसे नीचे से लेना है, ऐसे किया और ऐसे लिया, फिर ऐसे किया, ऐसे लिया। अब जितने भी फंदे मैंने इसमें डाले हैं, मैंने इसमें 66 स्टिचेस डाले हैं, वो आप इसी तरीके से डालेंगे। देखेंगे हार्डली 2-2 स्टिच का डिज़ाइन है और 66 स्टिचेस है, देखेंगे आप ऐसे। ये आपने इस तरीके से इसे करते हुए जाना है, ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब इसमें आप डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, जो मैंने ये डिज़ाइन डाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे डालेंगे। अब पहली लाइन तो हम जो है पूरी सीधी करेंगे ऐसे, फर्स्ट लाइन आपने ऐसे सीधी करनी है। ये देखेंगे अब, देखिए ये डिज़ाइन मैं किस तरीके से डालूंगी। नीचे का हिस्सा तो आप ये देखेंगे ऐसे आ गया है। अब ये डिज़ाइन जो है मैं कैसे इसमें डालूंगी, किस तरीके से डालूंगी, बहुत आसान सा डिज़ाइन है। हार्डली 2 फंदों और 2 लाइंस का है, तो 1 लाइंस का जो आपको रिपीट करते हुए जाना है, बट 2 लाइंस में मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे। अब 1 लाइन आपने जो है फंदे चढ़ा लिए हैं, अब डिज़ाइन कैसे डालना है ध्यान से देखिएगा। ये जो है पहला फंदा उतारूंगी, अब धागे को मैं अपनी तरफ करूंगी, ध्यान से देखेंगे, फिर ये उतारूंगी, धागा यहीं रहने दूंगी और इसे आपने जो है ऐसे लपेटना है और इस वाले फंदे को उल्टा बनाना है। फिर ये उतारूंगी ऐसे, धागे को ऐसे लपेटूंगी और इस वाले फंदे को उल्टा बनाऊंगी। ये उतारा आपने बिना बुने हुए, धागे को आपने ऐसे लपेटा और इस वाले फंदे को आपने उल्टा बनाया। देखिए धागा यहीं है, इसे उतारा बिना बुने हुए, धागे को लपेटा और इस वाले फंदे को उल्टा बनाया। ये देखिए ये ऐसे और फिर ऐसे बनाया। अब 66 स्टिचेस आपने ऐसे ही बनाने हैं, ये उतारा ऐसे और इस तरीके से, ये उतारा ऐसे लपेटा उल्टा। अब ये लास्ट का फंदा है तो इसे मैं उल्टा ही बनाऊंगी। अब सेकंड लाइन देखेंगे किस तरीके से करना है। ये मैं उल्टे साइड पे ही इसके जो है डिज़ाइन बना दिया था। अब देखिए राइट साइड पर कैसे करेंगे, पहला तो ऐसे ही उतरेगा। अब जो ये फंदा है यहाँ पे हमने इसी तरीके से लपेटना है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे, इसे उतारेंगे, इसको लपेटेंगे और इन 2 फंदों को हमने ऐसे उल्टा 2 का 1 करना है। देखिए ये उतारा सीधा फंदा, ऐसे लपेटा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। ये सीधा फंदा उतारा, ऐसे लपेटा, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। देखिए ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन 2 को 2 का 1 करा,
ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन दो को धोखा एक किया, ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन दो को धोखा एक किया। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप, ये लास्ट का फंदा देखिए, यही दो लाइंस वैसे तो आपको इसमें रिपीट करते हुए जानी है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए ये फंदा आपने ऐसे उतारा पहला, अब धागा अपनी तरफ किया, इस सीधे फंदे को उतारा बिना बुने हुए, धागे को लपेटा और इसको आपने ऐसे पकड़ के उल्टा बनाना है। ये उतारा, ऐसे लपेटा, अब ये जो दो दिख रहा है जिसे लपेटा है, इन दोनों को आपने ऐसे पकड़ना है और दो का एक करना है। देखिए ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन दो को दो का एक कीजिएगा, ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन दो को दो का एक कीजिएगा। पूरी लाइन ऐसे करेंगे, ये देखिएगा। अब यही चीज आपने करते हुए दोहराते हुए जाएंगे तो आपका ये जो है डिजाइन बनता हुआ ऐसे जाएगा। ये किया आपने, लपेटा इस तरीके से, फिर इन दो को दो का एक किया, ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन दो को आपने दो का एक किया, ये उतारा, ऐसे लपेटा, दो का एक, ये उतारा, ऐसे लपेटा, दो का एक। अब पूरा आपने इसी तरीके से जितना भी लॉन्ग चाहिए आपको ये जो है मफलर, आपने इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। इसमें ये बता दूं आपको कि थोड़ी सी भूल ज़्यादा लगेगी और ये थोड़ा सा धीरे चढ़ता है, बस आपने यही चीज़ रिपीट करते हुए इसमें जो है जानी है। अब देखिए, जब ये मैंने 64 इंचेस लॉन्ग बना लिया है तो अब मैं इसे बंद किस तरीके से करूँगी। टू रोज बाइंड ऑफ करूँगी, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैसे होता है, फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए करेंगे कैसे, पहला फंदा उतारूँगी, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला फंदा उल्टा है तो आपने ऐसे करके इसे उल्टा बनाना है और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। अगेन धागा आगे करूँगी, ये सीधा है इसे सीधा बनाऊँगी, फिर धागा अपनी तरफ करूँगी, इस वाले फंदे को उल्टा बनाऊँगी और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक रह गया, अब ये दूसरा है, फिर धागा आगे, ये सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा बनाया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। धागा आगे, ये सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया, ये उतार दिया। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही बंद करनी है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे फंदे इस तरीके से रहते हुए जाएंगे। देखिए ये किया आपने ऐसे, अगेन एक सीधा, फिर एक उल्टा, सीधा वाला फंदा इस उल्टे के ऊपर, धागा आगे, एक सीधा, एक उल्टा, ये सीधा वाला फंदा इसके ऊपर, अगेन धागा आगे, ऐसे ही पूरी लाइन कीजिएगा आप। अब देखिए इस तरीके से जब मैंने सारे फंदे कर लिए हैं तो आप इन्हें किस तरीके से करूँगी। यहाँ पे तो आप ये जो है काट लीजिएगा यहीं पे, इसका ये धागा अब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, बट इसे बंद करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग काटूंगी। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम। अब ये उतारेंगे, ये धागा यहीं रहने देंगे फिलहाल, ये उतारा, ये उतारा, इसके ऊपर से इसको उतार दिया, फिर ये उतारा, इसके ऊपर से इसको उतार दिया, ये उतारा, इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही आपने ये पूरे करते हुए बंद इसी तरीके से जाना है। देखेंगे ये उतारा, इसके ऊपर से इसको उतार दिया, ये उतारा, इसके ऊपर से इसको उतार दिया, बिना धागे के ऐसे। अब ये देखिए लास्ट फंदा यहाँ पे रह गया है, अब इसे किस तरीके से बंद करूंगी। आपने अलग से एक छोटा सा धागा इसमें डाल देना है सुई में, और यहाँ पे मैं पहले यहाँ से आप ये देखेंगे इस तरीके से इसमें डालूँगी ताकि ये बंद हो जाए धागा, और उसके बाद मैं इसमें ले लूँगी, ये जो फंदा है इसमें ले लेंगे हम ये धागा ऐसे। ये देखेंगे ये ऐसे लिया आपने इस तरीके से, और फिर यहीं पे मैं इसे थोड़ा सा बंद कर दूँगी। अब ये अपने हिसाब से थोड़ा सा बंद कीजिएगा यहाँ पे, ये देखेंगे ये हो गया बंद। अब इस धागे को आप यहाँ पे करके नीचे लीजिएगा, ये देखिए बस इस धागे को यहाँ से इस तरीके से करके थोड़ा नीचे लीजिएगा ताकि
जल्दी ना टूटे। ये देखिए, ये लिया तो यहाँ पे इसे काट दिया। अब इस साइड से भी जो हमने ये धागा छोड़ा था, इसे भी आपने इसी तरीके से जो है यहाँ पे ऐसे बंद करना है। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि मैंने ये बंद क्यों किया ऐसे, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे जालर लगाने हैं, फ्रिंजेस लगाने हैं, इसलिए मैंने ऐसे बंद किया, ताकि आप ये देखेंगे बीच बीच में ये आराम से ऐसे, ये देखेंगे आप आईलेट दिखते हैं, ये आईलेट जो दिखते हैं इन्हें में आप फ्रिंजेस डाल सकते हैं तो ये लटक जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बंद कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम फ्रिंजेस, यानी थोड़ा लंबा ही डालना चाहूँगी, तो मैं जो है कम से कम 6 इंच लंबा जो है, 6 या 7 इंच लंबा रखूँगी, या 6 इंच रख लेते हैं लंबा, यानी कि 6 इंच चाहिए मुझे, 6 इंच के मुझे डबल चाहिए, तो 6 इंच का डबल ये 12 हो गया। इसको भी इस तरीके से लूँगी 12 ऐसे, देख रहे हैं आप ऐसे, और एक बार और इतने को ही लूँगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटे फ्रिंजेस डालना चाह रही हूँ, तो मैं इसको 4 बार वो करना चाह रही हूँ, तो मैंने 24 ले लिए, देखेंगे आप। अब आप इसको अगर नापेंगे यहाँ से, देखेंगे ये 48 होगा, ये देखेंगे 24 है, 24 का डबल कर लेते हैं 48 हो जाता है, तो जब मैं इसको इस तरीके से 1 और 2 बार करूँगी तो ये इतना मोटा आएगा, देखेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कितना मोटा चाहिए, तो मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं इसी को यहीं पे काट लूँगी। 48 इंच लिया है मैंने, आप ये देखेंगे 48 इंचज़ है। अब इसी तरीके से आपने इसी को नाप के बाकी भी पहले काट लेने हैं, जितने भी आपने लगाने हैं ऐसे नापिएगा। ये लिया, जस्ट इसको डबल किया और यहाँ पे काट लिया, अगेन इसी को लिया ऐसे, ये फिर डबल किया ऐसे और काट लिया, ये देखिए। तो ये आप इस तरीके से काट काट के रखेंगे और फिर इसमें लगाएंगे। अब एक दिखा देती हूँ आपको कि लगाएंगे कैसे। अब आपने इस तरीके से किया, ये देख रहे हैं आप, इसको लिया, अब देखिए ऐसे डबल है ऑलरेडी आपके पास, फिर आपने इसे ऐसे डबल किया और देन फिर आपने इसे ऐसे, तो ये आपके पास है जो इसमें आपने इसमें डालना है। तो उल्टी साइड पे डालेंगे हम, क्योंकि फ्रंट साइड पे आना चाहिए, तो ये उल्टी तरफ है आपका, ये आपने ऐसे लिया, ये देखेंगे कॉर्नर पे डालूंगी ये। अब ये जो पोर्शन है, ये जो सारा है, ये सारा आपने इसमें से ऐसे निकालना है, ये देखिए ये निकाल लिया ऐसे। अब इसके बाद इस इन उनमें से आपने इसको ऐसे निकालना है, ये देखिएगा, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लग जाता है। एक और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए डबल है, डबल के भी आपने फिर ऐसे डबल किया एंड देन अगेन डबल किया, ये किया, ये अंगूठे से ऐसे पकड़ के रखना है। अब जितना भी गैप रखना है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डालूंगी, देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास भी नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पे डालूंगी। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये किया, ये सारे को आपने ऐसे लिया, इसमें से निकाला, ये जो पूरा पोर्शन है ऐसे पकड़ा, ये वाला ऐसे लिया और इसमें से ऐसे निकाल के खींच दिया, ये देखिए। तो ये लंबे लंबे इसमें मैं थोड़ा सा रखना चाह रही हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे, बाकी आप यहाँ पे काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो अच्छा लगेगा। आप ये देखिएगा, इसमें मैंने जो है ये फ्रिंजेस लगा दिए हैं जो लटकने होती हैं, आप चाहे तो इनको काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देखेंगे आप, ये सुंदर लगती है, देखेंगे। तो दोनों में बराबर बराबर लगाई हैं, एक में 11 है, दूसरे में 11, इस तरीके से बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके से आपका ये मफलर जो है बन के सिंपल और बहुत ही दोनों तरफ से ओढ़ने वाला, रिवर्सेबल बेसिकली कहेंगे इसे, दोनों तरफ से ओढ़ने वाला मफलर जो है आपका तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।